हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूँ देवेंद्र गुप्ता। आज मैं ऐसी समस्या का समाधान लेके आया हूँ जो कि बहुत सारे वेबसाइट ओनर और कंटेंट क्रिएटर को फेस करना पड़ता है। गूगल एडसेंस का एड अगर आपके वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कि क्यों आपके वेबसाइट पे एड्स नहीं दिख रहे हैं और कैसे इसको फिक्स करना है। आपके वेबसाइट पे एड्स पूरी तरह से फिक्स करने के लिए मैं आपको 7 स्टेप बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आप पूरी तरह से आपका एड्स को फिक्स कर सकते हो। और इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको बेसिक जो गूगल एड्स के जो बेसिक्स हैं उन सारी चीज़ें उसमें कवर। अगर आपको वो वीडियो जाके देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएगा क्योंकि ये कनेक्टिंग वीडियो है उसी से लेके। गूगल एड्स को अपने वेबसाइट पे कैसे फिक्स करना है इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। अगर ये स्टेप्स आपके काम के नहीं आते तो वो पिछला वाले जो वीडियोस हैं उसके स्टेप्स आप काम कर सकते हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसके भी स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे इस वीडियो के सारे स्टेप को फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ। सिंपली आपको करना क्या है, आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट में लॉग इन हो जाना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पर कोई एरर तो नहीं शो कर रहा है आपके डैशबोर्ड में, क्योंकि बहुत लोग को मैंने देखा है कि उनके इधर यहाँ पे एड्स का जो एरर आया रहता है या फिर एड लिमिट आया रहता है या फिर टैक्स डॉट जो फाइल रहता है वो डाला नहीं रहता है, तो वो सब का एरर आता रहता है। तो वो सारे एरर्स आते हुए भी अगर आप बोलेंगे एड्स नहीं आ रहा है तो मैं उस चीज़ के लिए क्या कहूँ, आप उसको पहले फिक्स करो ना। अगर आप उसको फिक्स कर लेते हैं तो आपका एड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको सबसे पहले यही देखना है कि यहाँ पे कोई एरर शो हो रहा है क्या आपके डैशबोर्ड पे। दूसरा, आपको चले जाना है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी सेंटर में। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम अगर एड्स नहीं शो हो रहा है तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे एड्स का कुछ गूगल के तरफ से लिमिट तो नहीं लग गया या फिर कुछ और नहीं होगा कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी उनका फॉलो नहीं किया, इसके वजह से कुछ एरर तो नहीं भेजा है गूगल ने, तो उसको फिक्स करना है हमको। ठीक है, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ जस्ट चेक कर लेना है कि प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ एरर तो नहीं आया, न्यू अपडेट लेके आता रहता है गूगल। तो अभी देखिए यहाँ पे क्रिएट GDPR मैसेज है, अभी ये भी इसको भी आपको क्रिएट करना है, नहीं तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे EEA एंड UK यूजर्स के लिए आपका जो एड्स वो दिखाएगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है, कभी ना बीच बीच में आपको ऐसा चेक कर लेना है कि आपका जो एडसन अकाउंट के अंदर कुछ एरर तो नहीं आया है। ठीक है, पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे एड्स। अब एड्स पे जाने के बाद आपका जो भी कोई वेबसाइट है उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पे। उसके बाद आपको चेक करना है कि यहाँ पे ऑटो एड ऑन है या नहीं है। अगर आप पूरी तरह मैनुअल एड लगा रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आपको चेक करना है कि यहाँ पे प्रीव्यू में देखिए एड्स दिखा रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एड्स दिखा रहा है आपके वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि एड्स शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए एक तो एंकर एड यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, वन पेज एड यहाँ पे दिखा रहा है एक ही। फिर यहाँ पे काउंट भी दिखा देता है कि एड्स आपके वेबसाइट पे शो हो रहा है। और बेसिकली मैंने हर वीडियो में ये बोल के रखा है कि आपका जब भी एड्स नहीं शो होता रहता है एक स्टेप ये वाला जरूर इंक्लूड करें, कभी भी आपको इसको ऑटो एड को बंद करके वापस से चालू करना है। ये इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि ये क्या होता है कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है एक बार रीसेट हो जाता है, गूगल के तरफ से भी रीसेट हो जाता है और आपके वेबसाइट पे भी रीसेट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी कुछ ग्लिच होने की वजह से वो नहीं चलता रहता है, फिर से चलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है एड के प्लेसमेंट को समझें, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि एड इतने क्लोजर लगा देते हैं, इतने पास पास में लगा देते हैं कि उनका जो एड है एक दूसरे से ही कॉन्फ्लिक्ट करने लगता है। एक तो ऑटो एड चलता रहता है, उसके बाद आप बहुत सारा मैनुअल भी एड डाल देते हैं, एकदम क्लोजर। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप ऐड लगाते हो, मैनुअल ऐड लगाते हो, उसमें गूगल के पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हुए लगाएं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोई एड्स का वीडियो मेरा होता है तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे भी क्लिकेबल एलिमेंट होते हैं आपको उसके बहुत ही क्लोज में एड्स नहीं लगाना। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे अप डाउन वाला जो बटन है
यहाँ पे अगर सपोज कि ऐड रहेगा तो बहुत लोग जब भी इस पे क्लिक करने के जगह पे ऐड पे क्लिक कर देते, तो गूगल के हिसाब से ये गलत है, तो आप यहाँ पे ऐड नहीं लगा सकते यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में यहाँ पे ऐड नहीं लगा सकते कि जस्ट इस बटन के नीचे ही आप ऐड शो करा रहे हैं, तो उस केस में गूगल आपको ऐड शो करना बंद कर सकता है, उस टाइम आपको बता देगा कि इस पेज में प्रॉब्लम है तो इसके वजह से ऐड नहीं शो हो रहा है, तो ऐसे भी एरर्स आ सकते हैं आपके वेबसाइट पे। मेक श्योर आप जो भी ऐड लगाते हैं बहुत ही एक दूसरे से क्लोजर मत लगाइए, कुछ सेंटेंस डालिए, स्पेस डालिए, जैसे कि यहाँ पे एक बटन है, अब आप सोचेंगे कि आप क्लिक करवाने के चक्कर में आप जस्ट इसके नीचे ही आप ऐड लगा देंगे, तो इस केस में भी गूगल का जो रोबोट होता है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये बटन है, क्योंकि आप चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे इसको तो ये बटन ही निकलेगा, गूगल को भी समझता है कि ये क्या चीज़ है। अभी मैं अगर आपको चेक करके दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बटन वर्ड आ गया, गूगल तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि ऐड के जो बटन है बटन के जस्ट नीचे बहुत ही मिनिमम एटलीस्ट 10 पीएक्स का, जो पीएक्स होता है पिक्सल्स का, 10 पिक्सल का गैप रखो, अदरवाइज गूगल उसको डिटेक्ट करेगा कि आपका जो बटन्स है बहुत काफ़ी क्लोज है एड्स के, इसके वजह से ये कभी होता है जब भी आपके वेबसाइट पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं, उस केस में ये सारी चीज़ें गूगल ध्यान देता है, अदरवाइज तो नहीं देता है, बट ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए कि कभी भी एकदम क्लोजर मत लगा दीजिए जिससे आपके एडसन पे उसका बुरा इम्पैक्ट पड़े। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है आप कंटेंट और उसके पॉलिसी को भी समझें, मतलब गूगल का जो एडसन होता है उसके अंदर जो कंटेंट है उसके पॉलिसी को समझें, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो सेक्चुअल और फिर बैड स्पीच या फिर पॉलिटिकल स्पीच, ये सारे पे गूगल एड्स का जो ब्लॉक है, गूगल एड्स इस पे नहीं चलते हैं सारे, जैसे कंटेंट्स पे, जैसे कि आपको कभी भी आपने देखा होगा यूट्यूब पे हेट स्पीचेस और ये सब चीज़ें अगर कोई डालता है तो उस पे कोई भी ऐड नहीं लगा सकता, उसी तरह से ही ब्लॉगिंग में भी होता है कि अगर आप सेक्चुअल कंटेंट है या फिर हेट स्पीच है या फिर आप कोई ऐसे डाल रहे हैं कि गूगल के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो उस केस में भी आपके जो उस ब्लॉग पोस्ट पे एड्स नहीं शो होंगे, तो आपका जो कंटेंट है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें ध्यान देना है कि आपका कंटेंट क्या है, उसके ऊपर ऐड गूगल की तरफ से चलेगा या नहीं चलेगा। आप बोलेंगे हमारे ब्लॉग पे ऐड ही नहीं आ रहा है, ऐड क्यों नहीं आ रहा है, अगर आपका कंटेंट भी वही टाइप का रहेगा उसमें एड्स नहीं आएंगे, आप कुछ भी कर लो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता उस केस में। एक स्टेप आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि आपका कंटेंट क्या है, किस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट स्टेप ये है कि एड ब्लॉक को टेस्ट करना, मतलब एड यूनिट को टेस्ट करना। कभी कभी क्या होता है कि हमने सब कुछ सही किया रहता है बट ऐड का जो सेटअप करने, ऐड कोड को जो जनरेट करते हैं सेटअप किया रहता है वो प्रॉपरली नहीं किया रहता है, जिसके वजह से भी एड्स शो नहीं होते। तो हम जब भी क्रिएट करते हैं ऐड यूनिट्स को यहाँ पे क्लिक करके, तो आप यहाँ पे प्रॉपर सेलेक्ट किया, आपने सब कुछ प्रॉपर सेलेक्ट करके प्रॉपर ऐड यूनिट नेम देके उसके कोड को कॉपी करके एक बार आपने वेबसाइट में कहीं पर एचटीएमएल के बीच में पेस्ट कर दो और वहाँ पे चेक कीजिए कि ऐड शो हो रहा है कि नहीं। उससे क्या एक बार पता चल जाएगा कि आपका जो ऐड यूनिट है वो प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक बार टेस्टिंग कर लेना चाहिए एक बार किसी एचटीएमएल ओपन करके। गाइज मैं एक चीज़ हमेशा से सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोई भी जो एचटीएमएल कंप्रेसर रहता है, जो भी कैचे प्लगइन्स हैं, उनके वजह से आपका जो एड्स यूनिट है ना वो भी डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे जो प्लगइन्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे हैं, लाइट स्पीड भी कैचे को रिमूव करता है, बट उसमें भी एक चीज़ मैंने देखा, जब भी आप उस प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं तभी जाके आपका है ना जो एड है ना उसको भी सप्रेस कर देता है, तभी एड्स नहीं शो होते। मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हो चुका है, इसके लिए मैं आप लोगों को ये मेरे एक्सपीरियंस से पता है, इसके लिए मैं ऐसे प्लगइन्स यूज नहीं करता हूँ जो एचटीएमएल को कंप्रेस करें,
जो HTML को कंप्रेस करके छोटा करे और जिसके वजह से एड शो नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फिफ्थ स्टेप कि आप कोड को टेस्ट करें, तो ये कर लेना है आपको। गाइस नेक्स्ट स्टेप है कि एड ब्लॉकर को चेक करना। अब इसका मतलब क्या है एड ब्लॉकर का चेक करने का, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जितने भी मोस्ट ऑफ यूजर हैं सब लोग एड ब्लॉकर लगा के रखते हैं, तो उस केस में भी आपका एड शो नहीं होगा, तो आपका रेवेन्यू भी बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे उसको फिक्स करें जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एड ब्लॉकर चेक करने का इन द सेंस, कभी कभी आप खुद के ही ब्राउजर पे एड लगा के रखते हैं जिससे आप चेक करते हैं तो वो डिटेक्ट करता है कि एड शो नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि एड शो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे ब्राउजर यूज करते हैं जैसे ब्रेवो है, उसमें पता भी नहीं चलता कि आपका जो एड है वो ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि वो इनबिल्ड उनका जो एप्लीकेशन है उसके अंदर है ही कि एड ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो ऐसे चीजें हैं, तो सबसे पहले आप चेक कर लो दूसरे ब्राउजर में, या फिर ऐसा चेक कर लेना है कि एड ब्लॉकर तो नहीं लगाया है आपके ब्राउजर में जिसके वजह से नहीं दिख रहा है, तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं, एक बार चेक करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे मेरे यूजर जो हैं मुझे मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमारा ऐड नहीं चल रहा है, जब भी वो अपना वेबसाइट का लिंक देते हैं और मुझे मैं देखने के लिए बोलते हैं और मैं देखता हूँ कि ऐड चालू है, सिर्फ उनके डिवाइस में ही नहीं दिख रहा था। उसका रीज़न भी मैंने एक पिछले वाले वीडियो में बताया था कि वो उसका रीज़न ये है कि बार बार एड्स पे क्लिक करने की वजह उस आईपी पे एड ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो उनका खुद का एडसेंस अकाउंट रहता है, गूगल को सब पता है। ऐसा नहीं है कि आपका डिवाइस है और आप ही क्लिक कर रहे हैं और गूगल को नहीं पता है, अरे कहीं ना कहीं तो आपने लॉगिन किया रहेगा गूगल एडसेंस को उस डिवाइस में, तो गूगल डिटेक्ट करता है आईपी एड्रेस, तो ऐसा मत सोचिए कि गूगल को नहीं पता है, तो उस केस में आपका ऐड आपके डिवाइस में नहीं दिखेगा। सेवंथ स्टेप है कि आपका जो वेबसाइट है उसका स्पीड चेक। आपके वेबसाइट का स्पीड बहुत ही मैटर करता है, चाहे वो आप गूगल के इंडेक्सिंग में बोल सकते हैं या फिर एड्स के में बोल सकते हैं। अगर आपका स्पीड काफ़ी अच्छा रहेगा तो गूगल बहुत ही फटाफट आपके वेबसाइट को रैंक करेगा, फर्स्ट 3 नंबर में लेके आएगा। अगर आपका आपने कंटेंट अच्छा लिखा है और स्पीड अभी अच्छा है तो वो सजेस्ट भी करता है बहुत सारे वेबसाइट्स को। इन केस में अगर आपका आपके वेबसाइट का स्पीड स्लो है तो गूगल अवॉइड करते हैं ऐसी वेबसाइट्स पे एड शो करना। तो मेक श्योर आपका वेबसाइट का स्पीड काफ़ी फास्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 60-75 अब होना चाहिए पेज स्पीड इनसाइड में। यहाँ पे आपका URL डाल के आप चेक कर सकते हैं आपका स्पीड कितना है, ठीक है। इस वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पीड क्या है। अगर आपका वेबसाइट स्पीड नहीं दे रहा है अच्छा, तो उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है कि किस तरह से आपके वेबसाइट का स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 8 फाइनल और लास्ट स्टेप ये है, अगर आपने सारे चीज़ें कर लिया, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए उसमें से आपने सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया, आप सारे चीज़ करके हार गए, तभी आपका लास्ट ऑप्शन बनता है गूगल सपोर्ट। आप गूगल सपोर्ट की मदद लेंगे, आप सिंपली मेल करेंगे उनको और उनसे हेल्प के लिए पूछेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारे वेबसाइट में एड्स नहीं आ रहा है, ऐसा मेल लिखेंगे। गाइस उनको मेल करने के बाद वो पूरी तरह से आपके वेबसाइट को एनालाइज करेंगे और आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको आपके वेबसाइट को फिक्स करना है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो सारे स्टेप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, तो गाइस कमेंट करें कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा से समझा, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ, और हाँ कमेंट जरूर करें अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो। इंस्टा और ये सब पे एक्टिव रहता हूँ और आप इजीली मुझसे कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका आंसर दे दूंगा। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Oh, 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 oh